फोटो प्रतिमा अनावरण समारोह का दीप जलाकर उद्घाटन करते पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, प्रतिनिधि मोहिउद्दीन नगर जगदेव प्रसाद ने शोषितों, पीड़ितों व दलित समाज की लड़ाई लड़ते हुए समाज में अपनी अलग पहचान बनाई थी, सामाजिक विषमता को निपटाने के लिए अपनी जान दी। वे वाकई में अभिवंचितों की आवाज थे। उक्त बातें जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सह विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा ने कही। वे मदुदाबाद में शनिवार को एक निजी कोचिंग परिसर में शहीद जगदेव प्रसाद व शिक्षाविद राम नारायण महतो की प्रतिमा अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। अध्यक्षता युवा जदयू नेता प्रशांत कुमार पंकज ने की, संचालन नंद कुमार कुशवाहा ने किया। वक्ताओं ने कहा कि जगदेव बाबू जीवन पर्यंत समाज के दबे कुचले लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान व भागीदारी के हिमायती रहे। बिना किसी स्वार्थ के शोषित समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। वे व्यक्ति नहीं विचार थे, उनका विचार नई पीढ़ी के लिए वैचारिक की गढ़ रही है। आज उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोगों की चलने की जरूरत है, ताकि समाज का विकास हो। इस मौके पर विधायक राजेश कुमार सिंह, पूर्व विधान पार्षद राणा गंगेश्वर प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक अशोक प्रसाद वर्मा, मुन्ना सिंह, मनोज प्रसाद सुनील, राम विनोद सिंह, अनंत कुशवाहा, रामदेव महतो, प्रभात कुमार राय, अखिलेश्वर प्रसाद राय, अभय कुमार सिंह, ब्रजभूषण, इंदुशेखर भूषण, चंद्रभूषण, अखिलेश कुमार चौधरी, विजय सिंह, राणा संजीव सिंह, सोनू कुमार सिंह, फलाउद्दीन, डॉक्टर जयनाथ ठाकुर, राम कुमार झा ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संयोजन जगदेव कल्याण मंच की ओर से किया गया। समस्तीपुर जिला से संवाददाता रामरूप राय की रिपोर्ट। सर, इस बार जो विधानसभा की जो चुनाव हुई है, चार राज्य पांच राज्य में, जहां पर उत्तर प्रदेश और मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में आपका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा और मणिपुर में बहुत अच्छी प्रदर्शन, क्या कहेंगे सर? जनता का जो हुकुम है, आदेश है, उसको हम सब लोग स्वीकार करते हैं। जनतंत्र की यही खूबसूरती है, चुनाव के समय एक दूसरे के खिलाफ लोग लड़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन अंत में जनता का जो डिसीजन होता है, उस डिसीजन को सभी लोग मानते हैं, यही है। और सर, दूसरी कि अभी जो शिक्षा पर सर आने वाले जो बच्चे हैं, जो परीक्षा होगी उस पर सर, स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, फिर भी सर परीक्षा जो आप टाइप लिया जाता है, इस पर क्या करेंगे सर? स्कूल में पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो, इस दिशा में निरंतर कार्रवाई हो रही है। आप देखेंगे कि शिक्षकों की बहाली बीच में कुछ तकनीकी कारण से थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन अब बहाली बड़े पैमाने पर हो रही है, तो जो कमी है उस कमी को दूर कर रही है लगातार सरकार, और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में और बेहतर से बेहतर शिक्षा बच्चों को मिल पाएगी।